गेहु भाजान लोके कष्टान कामान हर से दीर्घान जे तपो दिव्य पुत्र का जीन सत्तम शुद्धित जस्माद ब्रह्म सुखम तनंतम विधि दुकान भारत शेष है। अरे हिंदी में बोलने होगा, हिंदी में बोले हिसाब दे, उपदेश दे रहा है अपना पुत्र को, उनके सौ पुत्र थे जिसका भी ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जिसका नाम से हमारा इस देश का नाम हुआ भारत वर्ष। खाली इस देश नहीं सब देश, ये पृथ्वी का नाम है भारतवर्ष। तो उनका उपदेश है जो अयंग देह, ये जो शरीर है नीलोक मनुष्य समाज में सभी का शरीर है, कुत्ता का भी है, भेड़ी का भी है, सुअर का भी है, देवता का भी है, अनेक शरीर है, 84 लाख शरीर है जिसमें कि जीव भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ करके अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर वो ग्रहण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भूमिते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता भी। इसी प्रकार जीव जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्त, जैसे इसी शरीर में हमारा देहांतर होता है। तो बच्चे लोग हैं, इनको देहांतर होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, बच्चा शरीर नहीं रहेगा, बालक शरीर नहीं रहेगा, युवक शरीर नहीं रहेगा, बुढ़ा शरीर भी नहीं रहेगा। तो एक शरीर का बाद जैसा और एक शरीर मिलता है, इसी प्रकार ये शरीर छोड़ करके और एक शरीर मिले, ये निश्चित है। उदाहरण भी है, अगर कोई युवक कहे कि हम बुढ़ा नहीं होने, ये संभव नहीं, होनी पड़े, शरीर पलटने पड़ेगा। ये स्वाधीनता नहीं है कि हम युवक ही रहेंगे कि बालक ही रह जाए, नहीं। भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, देह नस्मिन यथा देही कुमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। इसमें कोई तर्क करने का कोई अवकाश नहीं है। तथा देहांत, जैसे हम लोग देख रहे हैं एक शरीर छोड़ करके और शरीर हम लोग ले रहे हैं, तो फिर ये शरीर जब छूट जाएगा और एक शरीर हमको लेने पड़ेगा, इसमें क्या तर्क का जरूरत। और स्वयं भगवान बोल रहे हैं, अगर कोई कहे कि ये जो बालक का शरीर छोड़ करके नौजवान का शरीर मिलता है, हम देख रहे हैं, ये तो मैं देखता हूं, ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है, जला दिया जाता है, फिर कैसा दूसरा। तो ये मूर्ख का तर्क है। शरीर जो कैसा पलटता है, जैसा बालक का शरीर युवक शरीर हुआ, किस तरह से पलटा है कि हम देखता थोड़ा ही, बाकी पलटता है, हम क्या देखता है, जगह ऐसे हो रहा है, बाकी वो आंख हमारा है नहीं। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जैसे रात में हम सो रहे हैं और सपना में हम एक जंगल में चला गया, तो हमारा बगल में कोई अगर सोता है वो देखता है कि हम किस तरह से जंगल चला गया, बाकी असल में हम गया। ये तो सबको तो मालूम है, हम जंगल में चला गया है तो अच्छा पलंग पर शरीर, और उसको छोड़ करके हम जंगल में चला गया, बाघ से मुलाकात हुआ, हम चिल्लाने लगे, हमारे बगल में कोई सोया है, बोलते क्यों चिल्ला रहा है, नहीं बाघ है, बाघ न कहाँ बाघ है, हम गए नहीं, बाकी है वो देखता नहीं।
इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर इस तरह से हमको और एक शरीर में ले जाता है, ये मूर्ख लोग देखता नहीं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भगवद गीता में जिसका ज्ञान है वो देखता है। इसलिए कहते धीर सतन उन्नीति, तो धीर है, ज्ञानी है, आगे बढ़ेंगे, उसको लिए कुछ मुश्किल नहीं है ये समझना। तथा देहांतर प्राप्त, मूर्ख है, जानता नहीं, सत्संग नहीं किया है, साधु का बात सुना नहीं, अपना मन माफी सोचता है, ऐसा मूर्ख लिए मुश्किल है। अति जो ज्ञान चक्षु है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो जानता है। धीर सत्सन किधर गया वो व्यक्ति, वो भी ज्ञान चक्षु से दर्शन होता है कि शास्त्र में शास्त्र चक्षुष्या, शास्त्र का दरिया से भाया मीडिया शास्त्र से देखना चाहिए। तभी तो शास्त्र हुआ है, जो क्या चीज क्या है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, ये सब हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है, ऐसा हम देखता ही क्या। जैसे हम लोग वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वो लोग वृंदावन धाम का वर्णन करते हैं, नरक का वर्णन करते हैं, अभी तो ज्ञान है, बाकी शास्त्र जो शास्त्र से जो सब वर्णन है उसी को उसी से समझना चाहिए। और विशेष करके भगवान जैसे कृष्ण बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, इसमें कोई संदेह करने का जरूरत नहीं। वो मूर्ख लोग संदेह करेगा, और भगवान युक्ति भी दे रहे हैं कि कौमार जौवन जरा देही नस्मी तथा दे कौमार जौवन जरा कौमार जौवन जरा, ये जैसा सभी पलटता है, तो बहुत युक्ति संगत है। तो ये शरीर और भी भगवान समझ रहे हैं, न हन्नते हन्नमाने शरीर नित सातयम, ये सब बता रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। शास्त्र का अनुसार, भगवत वाणी के अनुसार हमको समझना चाहिए, तब मालूम होगा कि हाँ ठीक है। ऊर्धं गच्छन्ति सत्त्वा, ये सब ऊर्ध लोग है, सर्वलोक है, जो लोग सात्विक जीवन यापन किया है उनको ऊर्ध लोक में स्थान मिलता है, और जो ना उन्नति किया ना अभिवृद्धि किया उसके लिए यही रहना है। और अधोगच्छन्ति तामसा जघन्य वृत्ति, और जीवन केवल जघन्य वृत्ति से वह पाप वृत्ति से मांस खाना शराब पीना और ये सब दुर्भसन, उसको अधोगच्छन्ति अधोलोक में जाता है, नरक में जाता है, पशु जन्म मिलता है, गरीब जन्म मिलता है, ये सब शास्त्र में है। तो उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए, तभी तो मनुष्य जीवन है। वही कुत्ता भरी गया ऐसे खाया पिया बच्चा पैदा किया मर गया, ये तो कुत्ता का जीवन सही व गोख, जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण नहीं करता है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है जो समझे, ये शास्त्र समझ, भगवद गीता समझ, भागवत वेद वेदांत ये सब बनाया गया क्यों, कि मनुष्य जीवन में इसको आश्रय ले, तद विज्ञानार्थम स्वगुरु में वह अभिगछेद, कि विज्ञान को समझे। जैसे स्कूल कॉलेज जाता है, क्योंकि आजकल का वो सब टेस्ट मिट गया, वो हथौड़ी पीटने के लिए स्कूल कॉलेज जाता है, वो आत्मज्ञान के लिए नहीं जाता। उसी को बहुत बड़ा समझते हैं, इस तरह से हथौड़ी का फैक्ट्री खुला जाए, उसका ज्ञान लिया जाए, इसके लिए परदेश में जाए, खुद सीख आए और पैसा खुद पैदा करें और खूब मजा करें, ये सब चलता है। इसलिए सब कहते हैं कि ये जो सब कार्यक्रम है, दिन रात परिश्रम करना, किस लिए करना, केवल काम नायंग देह देह वहा जांग निलोके कष्टान काम आना रहती, इतना कष्ट करके और केवल इंद्रिय तर्पण करना, ये तो सुअर करता है, इसलिए सुअर का नाम लिया। जो ये जो परिश्रम इतना दिन रात
दिन रात आप लोग देखिएगा, सुअर कलकत्ता में तो है नहीं, कहीं कहीं होगा, गांव में है, देखिएगा सुअर दिन भर रात भर घूमता घूमता परिश्रम। इसलिए कहा गू है, वही बात हुआ, गू का खाद्य द्रव्य है, उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, और हम लोग का जो खाद्य द्रव्य है गू नहीं तो और कुछ है, गू भरने वाला है, ऐसी चीज के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं। जो खाएंगे हलवा पूरी वो भी गू बन जाएगा, तो सुअर जो है गू बनने से खाता है और हम गू बनाने के लिए खाते हैं, उसमें क्या फर्क है? वो अगर कोई कहे हम तो लूची पूरी खाते हैं, लूची पूरी तो गू बनेगा, उसके बाद सुअर खाएगा, तो इसलिए सुअर का उदाहरण दिया। अयंग देह, ये जो शरीर मिला है ये शरीर ना अयंग देह नीडो के मनुष्य समाज में कष्टान काम चाहिए हमको, हमारी जो डिमांड है शरीर का लिए, को खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, इंद्रिय है उसको भी तर्पण करना चाहिए, और आहार निद्रा भय मैथुन, और भय से बचने के लिए कुछ तरक्की करना चाहिए, करो, बाकी असल बात भूल नहीं जाओ। इतना सुअर गधा हो गया तुम लोग जो असल बात भूल, ये उचित नहीं, आज नहीं उस समय भी था नहीं तो क्यों विषम देव उपदेश कर रहा है, आजकल ज्यादा हो गया सुअर गधा, उस समय कम था, क्योंकि सुअर गधा से आदमी बनाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था, उसको छोड़ दिया। सुअर गधा सभी है, जन्म ना जाए तो शुद्ध, जन्म से सभी सुअर गधा है, इसमें कोई बात, बाकी वो जो वर्णाश्रम धर्म विचार है वो सुअर गधा को देवता बनाने के लिए, आस्ता 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 जो सबसे इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण बनाया जाता था, और उससे लेस जो है उसको क्षत्रिय, उससे जो लेस है उसको वैश्य, और जो बिल्कुल लेस इंटेलिजेंट वो शूद्र। तो आजकल जो है वो इंटेलिजेंस ही है, इसलिए शास्त्र में कहते हैं करो शूद्र सम्भवा, कलयुग में और कोई है नहीं केवल शूद्र शूद्र है, इसलिए शास्त्र का कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण लोग पंडित होए अपना आचरण शुद्ध करे, समा दम सत्यम शौचम दान ये सब ब्राह्मण का गुण द्वादश गुण, तो समाज में कहाँ सिखाया जाता, जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी हथौड़ी पीटने की, तो फिर कैसा मनुष्य समाज रहे, सब मिट गया। इसलिए कलयुग में एक ही साधन है कि सब भगवान का नाम लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति, सब स्वर गधा शूद्र ये सब हो गया है, और केवल वो अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर शरीर का लिए परिश्रम करते हैं, तो ऋषभ जो कहते हैं ये उचित नहीं, उचित नहीं, इस तरह से जो समय नष्ट कर रहे हो, मनुष्य जीवन जो बहुत मूल्यवान है, अनेक जन्म का बाद मिला है, उसको केवल खाने पीने के लिए बच्चा पैदा करने के लिए बर्बाद करना तो ये उचित नहीं है, ये ऋषभ का मूल उद्देश्य है। तो किस लिए है न तपो, इसलिए कहते हैं तपो दिव्यं पुत्र का जे न सत्यं शुद्धे, दिस इज योर बिजनेस, हमारा जो एग्जिस्टेंस का मूल भित्ति है, जैसे शरीर है, ये शरीर शुद्ध नहीं है इसलिए हमको तो मरने पड़ता है, क्यों मरता है, कोई तो मरने को नहीं चाहता है, जन्म मृत्यु जरा मैं जैसा बुखार चढ़ जाता, कौन बुखार को चाहता है,
ये चढ़ जाता है कोई कारण से, बुखार हो गया, कोई पाप हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, इसलिए बुखार। बुखार होना कोई साधारण नहीं है, यह असाधारण है। इसी प्रकार जब शास्त्र से हमको ये खबर मिल रहा है ना हन्नते हन्नमाने शरीर, तो जीवात्मा जो है ये शरीर नष्ट हो जाने से वो उनका मरण नहीं होता, उसका और एक शरीर। जैसा कपड़ा फट गया तो वो कपड़ा फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा लेते हैं, इसी तथा देहांतरम। इसी प्रकार जब ये शरीर अब चलता नहीं, इसका मशीन सब खराब हो जाता है, जैसे आप लोग मोटर लेते थे, पुराना गाड़ी है और चलता नहीं, इसको फेंक देते हैं और एक नया गाड़ी ले लेते हैं। इसी प्रकार ये शरीर जो है ये भी एक गाड़ी है, जंत्र। शास्त्र भगवान खुद बताया, जंत्रारूढ़ाणी माया, ये माया का जीव है, जंत्र। ईश्वर सर्वभूताना ऋद्देश अर्जुन तिष्ठति, रामायण सर्वभूतानी जंत्रारूढ़ाणी माया। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए। ये भगवान सबके शरीर का भी, भगवान भी है मैं भी, दो शरीर आत्मा है, जीवात्मा परमात्मा। भगवान बताया है भगवद गीता कि क्षेत्र गम चपी मान विधि सर्व क्षेत्र सुभार, क्षेत्र क्षेत्र गम, ये शरीर है क्षेत्र, जमीन। और जैसे जमीन होता है और जमीन का कोई किसान भी होता है, दोनों मिलकर के एक फल को उत्पादन करते हैं जिसका हम लोग भोजन करते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर से हम लोग काम लेते हैं, हम लोग जीवात्मा, और उसको जो फल है उसको फिर भोगते हैं, कर्मणा दैवेन स्त्रीन। तो भगवान भी उसका पिता, तो भगवान कहते हैं जो ये जो शरीरी शरीर का मालिक एक जीवात्मा है, इसको भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, और ये क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञ चपी मान विद्धि सर्व क्षेत्रीय सुभार, जैसे जीवात्मा है वो अपना शरीर का ही खबर रखता है, हम आम लोग जैसा है हमारा जो सुख दुख है शरीर में मैं बोल सकता हूं, आपका सुख दुख जो है वो आप बोल सकते हैं, बाकी भगवान जो है सर्व क्षेत्र से भगवान सबका सुख दुख जानता है, हमारा भी जानता है, आपको भी जानता है। तो दो है, जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक है, उसको ज्ञान ठीक नहीं, जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग। इसलिए भगवान कहते चौ, चौ का होता है एवं, और बात यही है, हम यदि अगर परमात्मा होता तो आपका शरीर का सुख दुख हमको मालूम होता, और आप अगर परमात्मा होते हैं तो हमारा सुख दुख आपको मालूम, ये तो मालूम नहीं है, बाकी भगवान को मालूम, तभी तो हम लोग भगवान को मानते हैं। सर्व क्षेत्र सुधार, तो जीवात्मा परमात्मा दो, और भगवान कहते कि ईश्वर सर्वभूतानाम निर्देश अर्जुन तिष्ठति, तो सर्वभूतानाम ईश्वर भगवान रहते हैं, तो मैं क्या सर्वभूत में रहता हूं, तुम भगवान कैसा हुआ, ये सब विचार नहीं करते, भगवान बन जाए, हम भगवान बन, तुम कैसे भगवान हुआ, तुम सब जीव का आत्मा में है, सबका सुख दुख समझते हो, नहीं कुछ नहीं, भगवान बन गया, नहीं ईश्वर सर्वभूता नाम ऋद्धि, वो जो भगवान है वो परमात्मा है, सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी है, ये दो पक्षियां हैं, वो ये वृक्ष में बैठे हुए हैं, वो दो पक्षी कौन है, जीवात्मा परमात्मा है। तो एक जो पक्षी है वो वृक्ष का फल को खाते हैं, और दूसरे जो पक्षी है वो देखते हैं, अनुमंता उपदृष्टा, तो केवल देखते हैं कि क्या चाहते हैं। तो भगवान तो श्रीजंग सर्वभूतानां सबके मित्र है, भगवान इतना सुंदर मित्र है कि जीवात्मा कोई भी शरीर में जाता है, स्वर का शरीर में जाए, देवता का शरीर में जाए, भगवान साथ साथ जाते हैं,
इसके ये मूर्ख को कैसा समझाया जाए, ये जो देहांतर प्राप्ति केवल करते हैं और दुख भोगता है सुख भोगता है, इसी प्रकार इस दुनिया में भ्रमण करते हैं, किस तरह से इसको ज्ञान दिया जाए। जब मूर्ख ये सब छो गधा, ये सब छो मूढ़ा गधा छोड़े, यदि सुखी होने को चाहते क्यों ऐसा फिरता है भटकते हैं, एक शरीर छोड़ के एक शरीर तथा देहांतर प्राप्त। ये मूर्ख को समझाने के लिए भगवान आते, हमारा इतना बड़ा मूर्ख हम लोग है कि भगवान समझाने से भी हम लोग सुन, इतना बड़ा मूर्ख है। इसलिए भगवान कहते हैं नमाग दुष्की तो न मूढ़ा प्रबंधनते नराधम, जो एकदम नराधम है, सबसे नीच है मनुष्य समाज में, ये सब समझता नहीं। तो जो समझता नहीं भगवान भगवत गीता और अनशन बकते हैं कि भगवान काला है, भगवान तो कौन, ये सब कुछ जानता नहीं मूर्ख लोग। समाज का बड़ा दुर्दैव है, जैसे मूर्ख लोग सब प्रचारक हुआ है, भगवान को छोड़ के अनशन सब बकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो जो हमारा विषय नहीं जानता, जाने तभी तो प्रपत्ति है, प्रपद्यन्ते, जो जानता है कि जैसे भगवद गीता में बता रहे बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, जो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण कौन कर देता है, जो अनेक जन्म का बाद बहुनाम जन्म नाम अंत, जब वो ठीक ठीक समझता है कि हरि कि भगवान विभु और मैं अनु, हमारा उचित है कि भगवान का चरण में शरण लेना, भगवान ही खुद भी करते हैं सर्वधनमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वो काम मनुष्य के लिए है। मनुष्य के ये काम नहीं है कि सुअर का ऐसे दिन भर परिश्रम करे और फिर वही गुह खाए, ये गुह बनाने का चीज खाए और मस्त रहे, ये मनुष्य काम नहीं है। इसलिए कहते हैं नायंग देह देह भजन निलोक, स्पेशली कुत्ता भेड़ी सुअर अगर ऐसा परिश्रम करते हैं और भोगता है दिन भर, वो उसका उपाय नहीं है, क्योंकि वो कुत्ता बना है। और मनुष्य हो के बदली हम लोग कोई कुत्ता ही बना रहे हैं, सुअर बना रहे हैं, तो ये तो हम मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं। तो नायंग देह देह भजन निलोक देव भाजा, देव भाजन का अर्थ होता है जो भी ये भौतिक शरीर ग्रहण किया भूमि रापहना बर्बाद, ये जड़ शरीर जो है ये भूमि अपहरण वायु मट्टी है, जल है और अग्नि है, आयु वायु है और आकाश है, ये जड़ है। और इसका भीतर सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और वो सूक्ष्म शरीर जो धारण करते हैं वो जीवन है, ताकि कोई तो फंस जाते हैं ये जड़ शरीर में और कोई फंस जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर में, और असल जो शरीर है उसको कोई जानता है, मूढ़ा ना भी जाना थी मामी बपरम, इसलिए उसको किस तरह से आदमी समझ सकता है, तो उसके लिए ऋषभ बताते हैं तप तपसा ब्रह्मचर्य न जमेन नियमेन वा त्यागेन सत्य सौभ्या, और एक जगह में भगवान यह गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी महाराज पर ये प्रोसेस है। कुत्ता भैंडी का ऐसे रहने से कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, और तपस्या करने से तपस्या ब्रह्मचर्य और ट्रूथफुलनेस सत्य शौचम क्लीनलीनेस शुचि, इसीलिए ब्राह्मण का नाम है शुचि, और जो ब्राह्मण नहीं है वो मुची शुचि है मुची, तो मुची कौन है, जो भगवान का संपर्क छोड़ दिया वो मुची है। खाली चमड़े का मुची एक्सपर्ट होता है, चमड़ा समझता है ये गाय का चमड़ा है, ये भैंस का चमड़ा है, ये छाग का, तो जो चमड़े में बद्ध हो गया
ये मैं ये चमड़ा इंडियन है, ये चमड़ा अमेरिकन है, ये चमड़ा हिंदू है, ये चमड़ा मुस्लिम है, वो सूची रहेगी, सूची नहीं। हाँ, सूची तो तब होगा जब वो समझेगा अहम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है, आत्म वस्तु है, परमात्मा का अंश है, तब वो ब्राह्मण होगा। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्मन को समझता है, ब्रह्म ज्ञान जिसको लाभ हुआ है, वो ब्राह्मण है। जो शरीर से अपने को आइडेंटिफाई करता है वो तो चमड़ा का एक्सपर्ट हो गया, मूंछी हो गया। मूंछी का माने टैलर एक्सपर्ट, हम लोग मूंछी बोलते हैं आजकल का अच्छा लैंग्वेज में बोलता है, टैनरी एक्सपर्ट, टैनरी एक्सपर्ट बोले, क्या काम करते हो, हम टैनरी एक्सपर्ट, तो बहुत भारी पोस्ट है। और नहीं तो क्या है, मैं मूंछी है, तो मूंछी बोलने से हो तो बिगड़ जाएगा, और टैनरी एक्सपर्ट है 4,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, ठीक है, गन्न मानना है, ये सब चलता है। तो ये सब को कहते हैं कि वो टैनरी एक्सपर्ट नहीं रहा, कपो तपस्या कर, वो ब्राह्मण का कपो तपस्या, तपस्या पहली चीज है मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन का अर्थ ही होता है तपस्या, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। और सब जीवन में, कुत्ता जीवन में, सुअर जीवन में वही चार काम कि आहार निद्रा भय मैथुन, आहार करो, खूब सो और खूब इंद्रिय तर्पण करो, और किस तरह से दुश्मन से बचाने उसका कुछ उपाय करो। भय भय तो रहेगा सब समय, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक भय रहेगा, और निर्भय अभय सत्य संशुद्धि भगवद्गीता, ये तपस्या है, तो भय नहीं रहेगा। और सत्ता संशुद्धि, सत्ता का अर्थ होता है जो हमारा एग्जिस्टेंस, तो वो तो क्यों होता है, हमको मरने पड़ता है, ये सब सोचना चाहिए। तपो दिग्बम, तपस्या अरे बहुत तकलीफ उठाना, ये बहुत ही काम में भी होता है, कोई बड़ा साइंटिस्ट डिस्कवर करता है वो भी तपस्या कर, वो बिना तपस्या से कोई नाम ज्यादा साइंटिस्ट और कुछ डिस्कवर बहुत करते हैं। जैसे कल हम लोग आ रहे थे बंबई से, वो पायलट मिस्टर भट्टाचार्य, वो थोड़ा हम लोग को खातिर करके उनका वो कमरे में, जहाँ पायलट में सब दिखाया, किस तरह से उतरता है, किस तरह से उठता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड सब है, एक बटन टिक सब बटन बटन है, ये भी तपस्या है। नहीं तो आश्चर्य जैसा वंडरफुल मशीन, तो ये भी तपस्या है। तो आदमी आजकल भौतिक जगत में इसी तपस्या में लगे हुए हैं। बाकी ऋषभ कहते हैं तपो दिव्यम, इसके लिए तपस्या नहीं, कारीगरी ये तपस्या नहीं है। पहले ये सब आश्चर्यजनक सब एरोप्लेन विमान और अच्छा अच्छा मकान इस शास्त्र में है, ये डीमन लोग बनाते, डीमन ब्राह्मण नहीं बनाता, ब्राह्मण का काम था तपस्या और भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान, वो तपस्या के लिए बताते, जो आश्चर्यजनक एरोप्लेन बनाना, वो एरोप्लेन बनाया बड़ा आश्चर्यजनक है, बाकी बड़ा रिस्की है, एक बटन का छोड़ करके और एक बटन दाब दे के बाद काम कर लो, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें कारीगरी है अवश्य है, बाकी वो कारीगरी वो संपूर्ण नहीं है। तो ये सब कारीगरी, भौतिक कारीगरी जो है इसको भी चाहिए, बाकी इसका पीछे जो असल कारीगरी है कि अपना सत्य शुद्धि तो सत्या, जिसमें सत्ता शुद्ध हो जाए वो असल कारीगरी, सत्ता शुद्धि तो सत्या। तो मनुष्य जीवन यही काम है कि सत्ता को शुद्ध करना। जो मैं जो नहन्नते हन्नमाने शरीर, ये शरीर छूट जाने से मैं मरता नहीं, मैं जीवित रहता है,
तथा देहांतरम प्राप्ति है और शरीर, ये जो बॉर्डरेशन है इसको समझना। देखिए ये बंगला में हम लोग बैठे हुए हैं और इसमें कोई पेड़ भी है, दस हाथ दूर में एक पेड़ है, हम लोग इधर कमरे में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, बाकी वो पेड़ दस हाथ दूर से दस इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, दस इंच। ये भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है। क्यों इस प्रकार जीवन मिला? देखो ये सत्ता शुद्ध नहीं है, वो नीचे गिरते 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 ये पेड़ का जन्म मिल जाता है, फिर उसका चलना फिरना ही बंद हो जाता है, और एक जगह खड़ा होकर उसको रहने पड़ता है। ये सब देखना चाहिए, देख क्यों हुआ, हमको भी हो सकता है। इसका उदाहरण बहुत है, जैसा जमलार्जुन देवता का संतान था, ताकि वो पशु का ऐसे व्यवहार किया तो नारद मुनि को खर्च किया, ये तो पशु होने जाता है तो इसको थोड़ा शासन करो। तो उसको बोला तुम्हारा जब ऐसा पशु का ऐसा नजर है तो वो लोग नंगा होकर के और अप्सरा लोग को लेकर के वो सब मजा कर रहे थे, तो नारद मुनि उधर से जा रहे थे, तो अप्सरा लोग तो कपड़ा अपना संभाल लिया, बाकी ये लोग शराब पी करके इतना मौत था तो देखा ही नहीं, नंगा ही रह गया। तो नारद मुनि देखा इतना बड़ा मूर्ख हो गया देवता का घर में जन्म होते हुए भी, तो इसको कुछ शासन करना चाहिए, तो उसको अभिशाप दिया कि तुम वृक्ष जो निकाल तो नंगा होकर के रास्ता में खड़ा रहो, कोई भी देखे कुछ लज्जा नहीं, वृक्ष जो नहीं मिलता है, जो बिल्कुल लज्जाहीन हो जाता है उसको वृक्ष जो नहीं होता है। तो ये सब शास्त्र है, इसका हमको समझना चाहिए कि हम लज्जाहीन हो जाए और शुद्ध नहीं रहे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करें, इसके लिए तपस्या नहीं करें, जैसा कुत्ता भेड़ी है इस प्रकार रह जाए तो फिर हमारे मनुष्य जीवन मिलने से क्या लाभ, ये समझना चाहिए। इसलिए विश्व देवता है ये तप तपसा का, ये तपस्या, ये तपस्या है, यही मनुष्य जीवन है। पहले हमारा ब्रह्मचारी बनाया जाए, तपस्या है बच्चेपन से, कौमार माचरे प्राग धर्मान भागवता, ये सब कहां सिखाया जाता है, सब शास्त्र में है। बच्चे से ही ब्रह्मचारी से उसको सिखाया जाए, ब्रह्मचारी गुरु गृह गुरुकुले वसन दांत, गुरुकुल में बास करने का क्या अर्थ है, उसको दांत बनाया जाए, बड़ा धीर हो, धीर सत्व न मुनि, उसको नहीं है उसी से बीड़ी फूंकनी सीखता है और सत्संग करने सीखता है। इसलिए तपस्या तो कलयुग में बहुत गंभीर कठिन तपस्या संभव है, क्योंकि वो जो भी अलग हो गया, इधर कम से कम इतना तो तपस्या किया जाए कि एक शंखा पूर्वक भगवान का नाम जप, शंखा पूर्वक नाम गान नति, जैसे गोस्वामी लोग करते थे वृंदावन में, हमको सिखाने के लिए ये एक शंखा जरूर पूर्ण करता। तो बड़े बड़े आचार्य लोग जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप, वो 3 लाख और 3000 ये तो संभव है नहीं, तो इसलिए कम से कम एक संख्या निर्दिष्ट करना चाहिए। तो हम लोग निर्दिष्ट कर दिया जो 16 फेर नाम जपा कर, जिसमें 25,000 नाम होता, ये 2 घंटा में हो सकता है, तो इतना हम लोग काम करते हैं और 2 घंटा हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, अभी करेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। बैठे तो ये तपस्या जरूर करना चाहिए, हम लोग तपस्या के लिए हमारा जितने शिष्य है उनको बता दिया, तो इतना ही तपस्या करो कि 16 फेर नाम जपा करो और स्त्रिया सुनात पान जूत 4 चीज छोड़ दो, यानी अवैध स्त्री सम, अवैध पुरुष, आजकल का स्त्री पुरुष का जब विचार नहीं होता है तो वो नहीं होनी चाहिए, विवाहित होकर के स्त्री पुरुष अच्छी तरह से रहो, वो
शास्त्र सम्मत जो है स्त्री पुरुष का मिलन वो ठीक, और बिना शास्त्र का जो स्त्री पुरुष का मिलन है वो पाप, उसको नहीं। और जीव हिंसा, जीव हिंसा वृथा, पशु को मार करके खाना, ये कसाई से मांस ले आके खाना, ये महापाप है। तुम्हारे लिए भगवान इतना चीज बनाया है प्रसाद, पत्रम पुष्पम फलम हजारों किस्म का, तुम मनुष्य आए तुम उसको खाओ भगवान का प्रसाद, तुम मांस इधर सब कदर जल ये सब बहुत खराब चीज, इसको क्यों खाओ? ये तपस्या है, ये अवैध स्त्री संग करना ये पाप है, इसको छोड़ देना चाहिए, और मांस आदि भक्षण ये छोड़ देना चाहिए, और नशा छोड़ देना चाहिए, और ज्ञान भी, ये सब चीज छोड़ने की तपस्या, तपो विभ, इसमें भगवत भक्ति लाभ होगी। इसी दिन देखिए उसको प्रमाण स्वरूप, ये सब चीज में सब यूरोपियन अमेरिकन फंसे थे, अब देखिए सब छोड़ दिया और इसको भगवत भक्ति हो रही है। तो ये तपस्या है, चार चीज छोड़ देना और भगवान का नाम है, इकली जो सभी सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो तपो विभम, विभम क्यों ये तपस्या किया जाए ना, जिसमें भगवान को प्राप्त कर सको, और वही असल उद्देश्य है, और भगवान को वही प्राप्त कर सकेंगे जो कि बिल्कुल शुद्ध हो गया तपस्या से, नहीं तो नहीं मिल सकेगा। जीशाम अंतर्गतम पापम जनानां किं कर्माणा ते दंड मोह निर्मुक्त भजन्ति मां गुरुं, भगवत भजन निर्वृत होकर के इसी जीवन में भगवत भजन करके हम भगवान को प्राप्त करेंगे, व्यक्ति हो व्यक्ति हो, तो उसके लिए थोड़ा तपस्या कीजिए। केवल कुत्ता भेड़ी के ऐसे खाना पीना मजा करना और लमफन झमपन करना, उसमें तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति का शासन में है, प्रकृति क्यों माना नहीं, लमफन झमपन करने से लाभ क्या होगा? हाँ, वो कुत्ता का ऐसा ही से लंबन झंपन होगा, उसमें लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रकृति का शासन में। वो जैसा दुर्गा देवी वो महिषासुर को शासन कर रहे हैं, तो वो बहुत लंबन झंपन किया, आखिरी में दुर्गा देवी उसको नाश कर दी। तो इसी प्रकार दुर्गा देवी छोड़ेगा नहीं किसी को, ये नहीं समझो जी वो असुर का केवल शासन किया था हमको नहीं करेंगे, ये भूल है। जो असुर होगा, असुर का अर्थ क्या होता है, जो भगवान का मानता है वो असुर, जो असुर होगा दुर्गा देवी उसको खत्म कर देगा, ये समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन में तपस्या करनी चाहिए, तपो दिव्यम 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 दैव दिव्यम भगवान के लिए। तो कलयुग बड़ा सरल है भगवान को प्राप्त करने के लिए, जैसा प्रतीत है हम लोग ऐसी भगवान कृपा करके सरल उपाय भी बता, कोई जो वन में जंगल में जाकर के तपस्या करने को नहीं होगा, आप जहां हैं वहीं रहिए, थाने स्थित आशुति तनुमांग मनो भी अपना स्थान में रहिए, कोई गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेने पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है, केवल सुनिए भगवान की बात। इसलिए हम लोग सैद्धांत सुनते हैं, जो आप लोग कृपा करके आएंगे और ये भगवत गीता भगवत को सुनिएगा, सुनते 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 श्रवणम कीर्तनम विष्णु फिर चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा, आस्ते आस्ते सब चीज मन हो जाएगा। यही हम लोग का आप लोग से निवेदन है, जो इधर आइए और जहां तक है सुनिए, और नहीं तो घर में ही सुनिए, सुनिए जरूर भगवत गीता जैसे बताए हैं, और उसका अनशन अर्थ करके सबको सर्वनाश ना कीजिए, उपकार कीजिए। भगवान जो बोला है वो सब ठीक है, उसमें इधर उधर बात करके आदमी को भड़काना ये उचित नहीं, जो महापापी होते हैं ये इंटरप्रिटेशन करके अपना भी सर्वनाश करते हैं, दूसरे को भी करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। जैसा भगवत, इसलिए हम लोग भगवत गीता एज इट इज नो इंटरप्रिटेशन, जैसे भगवान बताए हैं मन मना भगव मंगो, बस भगवान बोलता है सब समय हमारा चिंतन करो, बस हम लोग बोलते हैं करो चिंतन, हमको उनसे इंटरप्रिटेशन करने का क्या जरूरत है, ये महामूर्खता है।
ये सब छोड़ दीजिए बदमाशी, और जैसा भगवान बताते हैं ऐसा कीजिए तो आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू वेरी मच।